नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर महाविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से आज अव्यवस्थाओं को लेकर कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का पुतला जलाया गया। एडमिशन में सीट नहीं बढ़ाए जाने को लेकर भड़के छात्र नेताओं ने कहा कि महाविद्यालय की ओर प्रवेश के लिए हर साल 10 सीटें बढ़ाई जाती हैं जो अभी तक नहीं बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऑनलाइन डिग्री की सुविधा दिए जाने की मांग की। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश सचिव गोविंद चंदोला ने विश्वविद्यालय पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। राजीव पुतला दहन हमने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ जो हर साल हम मांग करते हैं 10% सीटों में बीए बीएससी, वो अगर कुमाऊं विश्वविद्यालय पहले ही घोषित कर दे तो हमको इन मांगों को लेके उग्र नहीं होना पड़ेगा। और जो 10% सीटों में वृद्धि हो रही है, अब क्योंकि कई प्रवासी जो अभी घर आए हैं उनको भी प्रवेश, क्योंकि इस बार तादाद बढ़ चुकी है, प्रवासी भी हमारे जितने बाहर से थे अब वो भी इस महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, जिनको भी उनको भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। आज जो महाविद्यालय में पुतला दहन किया गया, ये सर्वप्रथम तो प्रवेश के लेते हुए पुतला दहन किया गया कि जो 10% सीटें बढ़ती हैं हर साल वो अभी तक बढ़ी नहीं है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दूसरा ये पुतला दहन किया गया कि विगत अभी परीक्षाएं हुई थी, बीकॉम की परीक्षाएं हुई थी, उसमें जो क्या कहते हैं वाइवा हुआ था उसके तुरंत बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। बागेश्वर में गरुड़ मजकोट के ग्रामीण आज गांव की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि उनका गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। दरअसल ग्रामीण अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और इस दौरान गांव के ग्राम प्रधान मदन मोहन गोसाई ने जिलाधिकारी को बताया कि गांव में सड़क ना होने की वजह से खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा ग्रामीणों को स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं के लिए आए दिन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही। इस दौरान ग्रामीणों ने जल्द से जल्द गांव की समस्याओं को निवारण की मांग की है। पंजाब मजकोट है, वो जिला मुख्यालय से करीबन 60-70 किलोमीटर दूर है और ब्लॉक मुख्यालय से 40-45 किलोमीटर दूर है, जिसमें कि 11 किलोमीटर ये बिल्कुल कच्ची सड़क बनी है। जी नमस्कार मैडम, मैं मदन मोहन गोसाई ग्राम प्रधान मजकोट से हूँ। हमारी देखिए मैडम, सड़क का मामला था और जो सड़क का मामला हमारे यहाँ 2004 में सड़क सुदृढ़ हुई थी, मजकूट तो बिना तोली तो अगर को तो बजवारा, तो ये सड़क पहले PWD में थी और 2019 में जो गांव के पूर्व प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि थे उन लोगों के अथक प्रयास से और समस्त गांव के प्रयास से जो है ये सड़क PMGSY में ट्रांसफर हुई 2019 में। बागेश्वर में नदी गांव विकास मंच ने निर्माणाधीन मोटर मार्ग का फिर से संचालन करने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने पहुंचे क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि 2019 से निर्माणाधीन गोमती नदी के पास का मोटर मार्ग अज्ञात कारणों के चलते बंद है, इससे क्षेत्रवासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं निर्माण कार्य के बंद होने की वजह से नदी किनारे बने आवासीय भवनों को भूमि कटाव से सुरक्षा के अलावा पर्यटन और यातायात की सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से निर्माण कार्य का फिर से संचालन कराने की अपील की है। बागेश्वर में चौरा से भैरू चौबट्टा तक कटान हुई सड़कों में डामनीकरण ना होने से ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल गांव के लिए सड़क तो काटी गई लेकिन निर्माण कार्य पूरा ना होने के चलते सड़क का मिलान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कई लोग इस सड़क से जुड़ने में से छूट गए हैं। वह कटान हुई सड़क पर अब तक सिर्फ सेलिंग ही हो पाई है और डामनीकरण ना होने की वजह से सड़क जानलेवा बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि सड़क के खस्ताहाल होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान ग्राम प्रधान नवीन चंद्र का कहना है कि इसके लिए वे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के भी चक्कर लगा चुके हैं लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसके चलते सड़क की खस्ताहाल हालत को लेकर ग्रामीण परेशान हो गए हैं। हमारे ग्राम पंचायत भैरू चौबट्टा में जो चौरा दोफाड़ से भैरू चौबट्टा के लिए जो रोड कट चुके हैं लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, इस रोड में शुरू से ही अभी तक न तो डामरीकरण हुआ है और न ही इसमें साइड से पैरालीगल बने हैं और न ही इस रोड में जो भी कलमट थे वो भी आधे अधूरे छोड़े गए हैं। लोक निर्माण विभाग कुपकोट द्वारा संबंधित ठेकेदार के माध्यम से इसके लिए हमने पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग को इसके बारे में सूचना दे चुके हैं। कभी कोई मरीज कोई पेशेंट हो जाता है तो उसको भी दिक्कत होती है और ठेकेदार देखता नहीं है। एक बार आधा दामरीकरण हुआ और उसके बाद छोड़ दिया और ट्रैक्टर चलती है, अभी वाहन चलते हैं, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं रोड पे,
होती है। ऐसा नहीं है कि आज लाए हैं तो कल फिर गैरेज पे जाएंगे, कमाने का कोई साधन है नहीं। जितना लाते हैं उसमें भी कुछ भी बचता नहीं है, सालानों में ही वो हो जाते हैं और कभी टूट फूट हो जाती है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।